दोस्तों बायोलॉजी फील्ड में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। इस फील्ड में ऐसी ऐसी नौकरियां तक है जिनमें लाखों रुपए तक वेतन मिलता है, ठीक है। तो हम आपको ऐसी ही 10 से ज्यादा नौकरियों के बारे में बताएंगे जिनमें अच्छा खासा वेतन मिलता है, और इन नौकरियों को पाने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, उसमें कितना खर्चा आएगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आपकी अपनी जानी मानी नौकरी डॉक्टर के बारे में बात करते हैं। देखो डॉक्टर भी कई तरह के होते हैं, कोई दांतों का होता है, कोई आंखों का, कोई आयुर्वेदिक तो कोई होम्योपैथिक। इस तरह से अलग अलग तरह के डॉक्टरों के लिए अलग अलग कोर्स होते हैं। MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, ये इस तरह के कुछ कोर्स हैं जिन्हें करके आप डॉक्टर बन सकते हैं और अपना खुद का क्लिनिक भी शुरू कर सकते हैं। इसमें MBBS तो 5.5 साल का होता है, जबकि बाकी सभी कोर्स 4-4 साल के होते हैं, जिनमें लगभग 5 लाख से 7 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। और डॉक्टर का तो आपको पता ही है, ये महीने के लाखों रुपये तक कमा सकते हैं। इससे अगली नौकरी है बायोमेडिकल इंजीनियर की। दोस्तों देखो मेडिकल फील्ड में जिन भी उपकरणों का या किसी भी जो कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं, तो इस तरह की इन चीज़ों को बनाने का, इन्हें डिज़ाइन करना, उनके बारे में रिसर्च करने का काम बायोमेडिकल इंजीनियर का होता है। तो इसके लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करनी होती है, जो कि 4 साल की होती है, जिसमें 3 लाख से 5 लाख रुपये तक का खर्चा आ जाता है, और इसे करने के बाद 30,000 से 40,000 रुपये तक का वेतन आराम से मिल जाता है। वेटरनरी टेक्नोलॉजिस्ट, इनकी नौकरी ज़्यादातर पशुओं के अस्पतालों क्लिनिक में होती है, जहाँ पर पशुओं की देखभाल, उनका उपचार, दवाइयाँ देना, टीकाकरण, इस तरह के काम इनमें शामिल होते हैं। इनके लिए भी आपको वेटरनरी टेक्नोलॉजी में BSc करनी होगी, जिसमें लगभग 3 लाख से 5 लाख रुपये तक का खर्चा आ जाता है, और इस फील्ड में 25,000 से 30,000 रुपये महीना आप आराम से कमा सकते हैं। फूड साइंटिस्ट, फूड साइंटिस्ट बनना भी बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। फूड साइंटिस्ट खाद्य पदार्थों पर रिसर्च करते हैं और नए नए फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। इसके लिए फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में BSc आप कर सकते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स होता है और उसमें 4 लाख रुपये तक का खर्चा आता है। इसे करने के बाद आपको 40,000 रुपये महीना तक का वेतन आराम से मिल जाता है। अगली नौकरी है फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट का काम होता है मरीजों को डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवाइयों को देना। फार्मासिस्ट बनने के लिए आप बी फार्मा या डी फार्मा जैसे कोर्स कर सकते हैं। इसमें बी फार्मा 4 साल का होता है, जिसमें लगभग 4 लाख तक का खर्चा आ जाता है, जबकि डी फार्मा 2 साल का कोर्स है, जिसमें 1.5 लाख रुपये तक का खर्चा आता है। इन्हें करने के बाद आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं या किसी डॉक्टर के यहाँ पर भी नौकरी कर सकते हैं, जहाँ पर 30,000 से 40,000 रुपये महीना आपको वेतन मिल जाता है। लैब टेक्नीशियन, दोस्तों देखो पैथोलॉजी लैब में जितने भी टेस्ट होते हैं, जैसे खून की जांच, पेशाब की जांच, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं, ये सभी लैब टेक्नीशियन ही करते हैं। इसके लिए BMLT नाम का एक कोर्स करना पड़ता है, यह 3 साल का कोर्स होता है, जिसे करने में 3 लाख से 4 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है, और इसे करने के बाद आपको पैथोलॉजी लैब खोलने का लाइसेंस मिल जाता है। आप या तो अपनी पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं या किसी दूसरी पैथोलॉजी लैब पर काम कर सकते हैं, जहाँ पर 30,000 से 40,000 रुपये महीना आप कमा सकते हैं। नर्स सुपरवाइज़र, नर्स सुपरवाइज़र हॉस्पिटल के अंदर मैनेजमेंट का काम देखती है, जिसमें मरीजों की देखभाल, उनके डे टू डे रूटीन को मैनेज करना, नर्सिंग स्टाफ को काम बताना, सलाह देना, इस तरह के काम इन्हें करने पड़ते हैं। इसके लिए BSc नर्सिंग करना होता है, जो कि 4 साल का कोर्स है, जिसमें 2.5 लाख से 3 लाख रुपये तक का खर्चा आ जाता है, और इसमें महीना आप 25,000 से 30,000 रुपये तक का वेतन प्राप्त कर सकते हैं। मार्केटर, मार्केटर का काम होता है दवाइयों को मार्केट में सेल करना। इसमें आप किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं या अपना खुद का दवाई डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए दवाइयों के बारे में और उसमें यूज होने वाले ड्रग्स के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी जरूरी है, जिसके लिए आप बी फार्मा या डी फार्मा जैसे कोर्स कर सकते हैं। बी फार्मा 4 साल का कोर्स है, जिसमें 4 से 5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, जबकि डी फार्मा 2 साल का कोर्स है, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, और इस फील्ड में आप आराम से महीने के 35,000 से 40,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, बायोलॉजी वाले एग्रीकल्चर फील्ड में भी एक अच्छा खासा अपना कैरियर बना सकते हैं।
एग्रीकल्चर फील्ड में एक पद होता है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का, जिनका काम होता है पेड़ पौधों, फसलों, जीव जंतुओं पर रिसर्च करना, उनकी दवाइयाँ, खाद वगैरह तैयार करना, उन पर रिसर्च करना। इसके लिए आपको एग्रीकल्चर में BSc करनी होती है। उसके बाद एग्रीकल्चर में ही पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में नौकरी पा सकते हैं और महीने के 40,000 से 45,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अगली नौकरी है प्रोफेसर की। अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो आप मेडिकल फील्ड में या एग्रीकल्चर फील्ड में टीचर या प्रोफेसर बनके अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके लिए आपको मेडिकल या एग्रीकल्चर, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, उस फील्ड में आप ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर PhD तक आपको करनी पड़ सकती है। इस तरह से आप किसी कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बन सकते हैं या सरकारी एग्जाम क्लियर करके सरकारी टीचर बनने की भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहती है और इस फील्ड में भी आप आराम से 30,000 से 35,000 रुपए महीना तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बायोलॉजी के बाद मिलने वाली नौकरियां जिनमें अच्छा खासा वेतन आपको मिल जाता है। इनसे संबंधित अगर आपका कोई भी किसी तरह का सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।